वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल के बारे में, जिसको कहा जाता है हुक वर्म। ओल्ड टर्म है काफी हुक वर्म, किंतु अभी भी ये प्रचुर मात्रा में टर्म प्रयोग किया जाता है। इसको हुक वर्म कहा जाता है क्योंकि इसका जो अग्रभाग होता है इस पैरासाइट का वो मुड़ा हुआ रहता है, और इस कारण ये हुक के समान दिखाई देता है। इस कारण इसको हुक वर्म भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसका जो किंगडम है वो है एनिमलिया, फाइलम है निमेटोडा, फैमिली है एनसाइलोस्टोमेडी, जीनस है एनसाइक्लोस्टोमा, और जो स्पीसीज है वो है एनसाइलोस्टोमेटी ड्यूडेनल्स। और ये जो पाया जाता है वास और प्रकृति कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो मोस्टली जेजुनम वाला पार्ट होता है वहाँ पे ये पाया जाता है, और कभी कभी ड्यूडेनम में भी पाया जा सकता है, और इस इलियम में बहुत ही रेयरली पाया जाता है। इसका जो नाम है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल्स, और ये ड्यूडेनल्स ड्यूडेनम से कोई संबंध नहीं रखता है। इसका जो नाम दिया गया है ये एक वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया है, तो कभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पे पाया जाता है ड्यूडेनम जेजुनम, तो ये जो सेम वर्ड है ड्यूडेनम, तो उसको आप गलत करना है, और जेजुनम में मोस्टली पाया जाता है। तो नेक्स्ट है इसकी जो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में इसके जो मेल और फीमेल है दोनों अलग होते हैं, और जो इसकी जो साइज होती है मेल की छोटी होती है फीमेल के मुकाबले। मेल की साइज होती है 11 आर से लेकर 11 mm, और इसकी विड्थ होती है 0.4 mm, और जो फीमेल की साइज होती है वो मेल के मुकाबले बड़ी होती है 12 से 13 mm, और इसकी विड्थ होती है 0.6 mm। जब से सबसे ऊपर वाला सिरा देख रहे हैं ये इसका अग्रभाग है, और बकल कैप्सूल आप देख रहे हैं ये मेल का है, और इसमें टेस्टिस है, सिमेनल वेसिकल्स है, उजेकुलेटरी डक्ट है, और अंतिम सिरा देख रहे हैं ये एक छातीनुमा संरचना है जिसको बोलते हैं कैपुलेटरी बर्सा, और ये जब फीमेल से अटैचमेंट होता है तब ये काम आता है। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, दोनों में अलग सिस्टम है। आप फीमेल में देख रहे हैं इसमें ओवली है, वॉल्वा है, यूट्रस है, ये सारे पाए जाते हैं। तो फीमेल एग प्रोड्यूस करती है और मेल स्पर्म प्रोड्यूस करके उसमें इजेक्ट करते हैं फीमेल में, और वहाँ से फर्टिलाइजेशन होके जो एग होते हैं फर्टिलाइज एग, ये फीमेल स्टूल के साथ पास करती रहती है। और इसका जो प्रथम सिरा होता है बकल कैविटी, इसमें 6 टीथ पाए जाते हैं, 6 दांत पाए जाते हैं। तो वेंट्रल सरफेस पे 2 जोड़ी में 4 तीखे दांत होते हैं, और जो डोर्सल सरफेस है वहाँ पे 2 भोंदे दांत होते हैं, अर्थात तीखे नहीं होते हैं। तो ये टोटल 6 दांत पाए जाते हैं जहाँ से ये म्यूकोसा से अटैच रहता है, और इसमें एक ग्लैंड भी पाई जाती है जो कि ब्लड को क्लॉट करने से रोकती है। तो जैसे ही ये अपने दांत गड़ेगी म्यूकोसा में तो ब्लड स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद ये जो सिक्रेशन होगा है एंटीकोगुलेंट का, तो वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगी, जिसके कारण ब्लड लॉस होता रहता है और ये ब्लड पीते रहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, इसके जो एग होते हैं उसके बारे में। तो एग होते हैं वो उसकी साइज होती है 75 माइक्रोन से लेकर 40 माइक्रोन के बीच, और अगर इसको सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो ये फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। तो वहाँ से हम इसको एग का भी पता कर सकते हैं। और जो एग होते हैं वो नॉन बाइल स्टेन होते हैं, अर्थात बाइल स्टेन नहीं होते हैं। और इसमें अगर आप एग देखना चाहें तो ये सेगमेंटेड ओम होते हैं, 4 सेगमेंट वाले ओम है, और ये सेगमेंट के बाहर जो एक पतली शीट के द्वारा ये घिरा रहता है, और ये जो सेगमेंट है अधिक भी हो सकते हैं। जब स्टूल के साथ पास होते हैं तब आपको स्टूल में इस तरह की एग देखने को मिल सकता है, और जो सीट है ना वो भी आपको क्लियरली दिखाई देगी। और अब हम देख लेते हैं इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले आप एडल्ट वर्म देखिए, मेल और फीमेल, इनकी मेटिंग से जब एग फर्टिलाइज एग होता है वो पास कर दिया जाता है स्टूल के साथ, तो स्टूल के साथ एग पास करने के बाद ये 24 घंटे में रेबडिटी फॉर्म जो लार्वा होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो रेबडिटी फॉर्म लार्वा कन्वर्ट होने के बाद इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, 2 इसमें निर्मोचन होता है, 2 माउल्टिंग होती है, एक तो तीसरे दिन होती है और दूसरी होती है 5वें दिन। ये 2 परिवर्तन होने के बाद ये जो फाइलीफॉर्म लार्वा होती है उसमें
कन्वर्ट हो जाता है और ये जो लार्वा होता है वो इन्फेक्टिव होता है मैन के लिए। तो जैसे ही कोई मैन है, मानव है, वो अगर नंगे पांव चल रहा है तो वो स्किन के थ्रू उसमें एंटर कर लेगा, पेनिट्रेट कर लेगा। अगर चप्पल पहने हुए नहीं है या फिर स्किन कटी फटी है, और ये अगर स्किन कटी फटी भी नहीं भी है तो हेयर फॉलिकल के थ्रू ये त्वचा में एंटर कर लेगा और फिर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद ये हार्ट में पहुंच जाएगा। हार्ट में पहुंचने के बाद जब ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में जाएगा तो ये लंग्स में भी एंटर कर लेगा। तो लंग्स में पहुंचने के बाद इसमें एक और परिवर्तन होता है, थर्ड माउंटिंग होती है। उसके बाद ये ट्रेकिया लैरिंग्स में भी पहुंच जाएगा। और अगर उस समय आपको कफ है तो कफ के साथ ये बाहर भी फेंका जा सकता है। अगर आपने कफ निगल लिया है तब वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में चलने के बाद इसमें एक और परिवर्तन होता है, चौथा माउल्टिंग होती है। और उसके बाद ये 5 से 7 वीक में सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद ये अंडे प्रोड्यूस कर सकता है, स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, और उसके बाद ये जो इस तरह की साइकिल है वो चलती रहती है। तो ये सारा साइकिल हो गई। और अब हम देख लेते हैं इसके जो साइन और सिम्टम क्या होते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो आपको पहुंचते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और अपने फेसबुक पेज पर भी लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको कुछ और स्लाइडें और कुछ और वीडियो भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में, इससे क्या बीमारी होती है। इससे बीमारी होती है उसको बोलते हैं एनसाइलोस्टोमियासिस। और इसके साथ साथ आपको एनीमिया देखने को मिल सकता है, वो है माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया, डर्मेटाइटिस, क्रिपिंग इरप्शंस, मल्टीपल हेमरेज, ट्रांजियस ब्रोंकोनिमोनिया, ये सारे पैथोजेनेसिस देखने को मिल सकते हैं। और इसके जो सिम्टम क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सिम्टम में आपको हो सकता है एब्डोमिनल पेन, और वो होगा एपिगैस्ट्रिक रीजन में। दूसरा सिम्टम है लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, भूख की कमी, और जियोफेजी। जियोफेजी बोलते हैं मिट्टी खाने की किसी में प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं जियोफेजी, ये भी देखने को मिल सकता है। ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, मेंटल डलनेस, ये हो सकता है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि काफ़ी सारा जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण ये भी देखने को मिल सकता है। और जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिल सकता है, लो हीमोग्लोबिन हो सकता है। उसके साथ अगर स्किन से एंटर किया हुआ है तो उस जगह पे आपको इडिमा या सूजन भी देखने को मिल सकती है। स्टीरियो डायरिया बोलते हैं जिसमें फैट स्टूल के साथ आपको फैट आता है तो स्टीरियो डायरिया बोलते हैं। और डायरिया सिम्टम हो सकते हैं, अगर अर्ली सिम्टम है तो वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। क्रिपिंग इरप्शन, ये इसका मेन सिम्टम है हुकवर्म का। इसमें आपको सीवियर इचिंग हो सकती है, ब्लिस्टर्स यानी छाले, और जो लाल लाल निशान रसेस वगैरह, ये सारे सिम्टम में आते हैं। और अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो आपको कौन कौन सी जांच करवानी चाहिए। तो जांच के लिए आप सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं। तो सीबीसी में आपको मिल सकता है लो हीमोग्लोबिन और एमसीवी और एमसीएच, ये लो देखने को मिलेगा। और ईसनोफिल है उसका काउंट बढ़ जाएगा। तो ईसनोफिलिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन, ये देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो टेस्ट है और वो है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट करवाएंगे तो आपको दो तरह के टेस्ट देखने को मिलेंगे, एक माइक्रोस्कोपिक और एक है केमिकल। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आपको एग देखने को मिल सकता है, एग के साथ एक और क्रिस्टल देखने को मिल सकता है जिसको बोलते हैं चारकोल लेडिंग क्रिस्टल। चारकोल लेडिंग क्रिस्टल कैसे होते हैं वो भी देख लीजिए। इस प्रकार के आपको क्रिस्टल स्टूल के साथ देखने को मिल सकता है, एग और स्टूल में ये देखने को मिल सकता है। और अगर आप केमिकल टेस्ट करते हैं, केमिकल टेस्ट में अगर आप ओकल ब्लड करते हैं तो वो पॉजिटिव शो करेगा, ओकल ब्लड पॉजिटिव आएगा इसमें, क्योंकि जो ब्लड होता है वो स्टूल के साथ पास होता रहता है। और नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। एक बार डायग्नोस्ट होने के बाद ट्रीटमेंट के रूप में जो मेडिसिन दी जाती है वो है बेफेनियम हाइड्रोक्सी। और ये जो मेडिसिन है
वो दी जाती है 5 ग्राम एडल्ट डोज के लिए और 2.5 ग्राम दी जाती है बच्चे के लिए, केवल एक डोज काफ़ी होती है। और जो मेबेंडाजोल है वो दी जाती है 3 दिन के लिए 100 mg, और इसके साथ और भी मेडिसिन है जो दे सकते हैं, वो है थायबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, पायरानेटल पेमेट, लिवानिसोल, टेट्राक्लोरोथाइलिन फॉर एनीमिया के लिए आपको आयरन और फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की टेबलेट भी दी जा सकती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच।